Everyone, welcome to my channel Study Acumen. Today we will discuss on the topic of economic reforms or new economic policy. New economic policy जो है जुलाई 1991 में लॉन्च की गई थी. जुलाई 1991 से पहले द इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब थी. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत ज्यादा बढ़ चुके थे. फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट था. फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा बढ़ गया था. पुअर परफॉर्मेंस थी पब्लिक सेक्टर की. देयर वॉज सो मच क्राइसिस इन द इंडियन इकोनॉमी. तो इन जुलाई 1991 द गवर्नमेंट रियलाइज दैट कि देयर इज अ नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी वॉज फ्रेम्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड स्टेबल द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. नेक्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंक्लूड ऑल इकोनॉमिक चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट सिंस 1991 फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. तो हम कैसे इसको देखेंगे. सबसे पहले क्या चाहती है गवर्नमेंट, क्या करेगी, इकोनॉमिक चेंजेस. फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट. देखिए अब इकोनॉमिक चेंजेस वो कौन से इकोनॉमिक चेंजेस हैं जो ब्रिंग्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट. वो इकोनॉमिक चेंजेस हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, मॉडर्नाइजेशन इन एग्रीकल्चर, चेंज इन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, चेंज इन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी, रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट, एक्सेट्रा. ये जितने भी इकोनॉमिक चेंजेस ऑल राउंड प्रोस्पेरिटी के लिए, डेवलपमेंट के लिए किए जाते हैं, ऑल आर एक्युमुलेटेड इज नोन एज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. इज नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. Why the government realized that there is a need of new economic policy? There are several reasons. First one is fiscal deficit. Government ka fiscal deficit bahut zyada badh chuka tha. Fiscal deficit means government expenditure is more than government income. Government expenditure itna zyada tha. Even international financial organization like IMF, World Bank, they have refused to give the loans to the Indian economy. So there is a need of requirement of a new economic policy. Second point, unfavorable balance of payment. The value of import is more than the value of exports. इतने ज्यादा हमारे import हो चुके थे कि हम exports को meet ही नहीं कर पा रहे थे. तो उसके लिए इवन गवर्नमेंट ने एक्सपोर्टर को बहुत ज्यादा कंसेशनल लोन भी दिए ताकि जो है एक्सपोर्टर्स एक्सपोर्ट को बढ़ा सके, लेकिन वो नहीं बढ़ा पाए. और सो देयर इज अ नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. थर्ड वन इज गल्फ क्राइसिस. देखिए 1990s में देयर वाज अ गल्फ क्राइसिस. गल्फ क्राइसिस मीन्स द प्राइसेस ऑफ ऑयल, पेट्रोल, दे आर शूट अप. इतने ज्यादा बढ़ चुके थे कि हम गल्फ कंट्रीज को पेमेंट करने में भी अनेबल रहे. सो देयर इज अ नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. नेक्स्ट पॉइंट, डिक्रीज इन फॉरेन
foreign exchange reserves foreign exchange reserve means जब भी हम इंपोर्ट करते हैं किसी भी कंट्री से तो उस कंट्री की पेमेंट हमेशा उसी कंट्री की करेंसी में करते हैं, तो जिससे हमारे पास एक्सचेंज रिजर्व इतने कम रह चुके थे कि हम 2 वीक्स का भी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे थे. सो देयर इज ए नीड ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. नेक्स्ट पॉइंट इज पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर. ठीक है, 1991 से पहले पब्लिक सेक्टर हैज प्लेड ए डोमिनेंट रोल, लेकिन परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर वाज सो पुअर ड्यू टू ब्यूरोक्रेसी, रेड टेपिज्म, लैक ऑफ इनिशिएटिव. सो देयर इज द गवर्नमेंट रियलाइज दैट कि देयर शुड बी ए प्राइवेट सेक्टर एंड दे नीड ए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. नेक्स्ट पॉइंट इज राइजिंग प्राइसेस. Prices of food grains and necessary items, it was rose up, बहुत ज़्यादा बढ़ गए कि हमें food grains भी afford करना जो है for a general public, it was very difficult. So the government realized that कि जो है there is a need of new economic policy. Next topic is features and components of न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. देखिए हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. देखिए एलपीजी, दिस इज ऑल्सो नोन एज द एलपीजी मॉडल ऑफ ग्रोथ. तो हम इस लेक्चर में लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे. लिबरलाइजेशन क्या होता है? देखिए 1991 से पहले देयर वर सम रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड. आपको ट्रेड करने के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती थी, आप ट्रेड को बिना रेस्ट्रिक्शंस के नहीं कर सकते थे. ये रेस्ट्रिक्शंस क्या थी? आपको लाइसेंस लेने के लिए पहले अप्रूवल लेनी पड़ती थी. MRTP एक्ट था, इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, इंपोर्ट नहीं कर सकते थे आप टेक्नोलॉजी को, रॉ मटेरियल को, बैंकिंग से रिलेटेड आपको जो है काफी रेस्ट्रिक्शंस थी, टैक्सेशन से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शंस थी, तो बिजनेस को करना बड़ा मुश्किल हो जाता था. तो गवर्नमेंट रियलाइज दैट कि यदि हम इन रेस्ट्रिक्शंस को थोड़ा लिबरल कर देते हैं तो हम बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर सकते हैं. इवन गवर्नमेंट हैज सीन द पॉलिसी ऑफ अदर कंट्रीज लाइक कोरिया, हांगकॉन्ग, सिंगापुर एटसेट्रा, एंड द गवर्नमेंट सीन दैट कि दे हैव ऑल्सो डेवलप्ड द इकोनॉमी थ्रू लिबरलाइजेशन. सो द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो डिसाइडेड टू टेक दिस आइडिया. हम इसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइज. नेक्स्ट टॉपिक इज मेजर्स टेकन फॉर लिबरलाइजेशन. देखिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट मेजर हैज अडॉप्टेड फॉर लिबरलाइजेशन. फर्स्ट वन इज लिबरलाइजेशन रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल लाइसेंस. देखिए बिफोर 1991 यदि आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता था आपको उससे पहले जो है लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन आफ्टर 1991 द गवर्नमेंट हैज लिबरलाइज्ड दिस लाइसेंसिंग पॉलिसी. नाउ एक्सेप्ट 5 इंडस्ट्रीज देयर इज नो नीड टू टेक अ लाइसेंस. वो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है? वो इंडस्ट्रीज है आपकी डिफेंस इक्विपमेंट्स, लीकर, सिगरेट, इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव, हैजर्ड्स केमिकल. इन 5 इंडस्ट्रीज को छोड़कर आपको लाइसेंस लेने की कोई दिक्कत नहीं आती. आप जब चाहे आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो. देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस रिगार्डिंग लाइसेंस. नेक्स्ट पॉइंट इज कंसेशन इन MRTP एक्ट.
आरटीपी एक्ट क्या होता है, मोनोपली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। ये एमआरटीपी एक्ट जो है, जो जिन कंपनियों की एसेट्स 100 करोड़ से ज्यादा होती थी वो बिजनेस को एक्सपैंड नहीं कर सकती थी विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। उन्हें 100 करोड़ से इन्वेस्टमेंट को ज्यादा करने के लिए जो है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। आफ्टर 1991 द गवर्नमेंट हैज रिमूव्ड कंसेशन इन दिस एमआरटीपी एक्ट। आप जो है आप बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के आप बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो। लेकिन 2002 में इस एमआरटीपी एक्ट को बिल्कुल ही अबोलिश कर दिया गया। एमआरटीपी एक्ट की जगह पे उन्होंने नया एक्ट शुरू किया, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। देखिए बिजनेस के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की उन्होंने यूनिट्स बढ़ा दी। पहले आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ये यूनिट्स कितनी होती थी, 25 लाख। नाउ इट हैज एक्सपैंड 25 लाख टू 5 करोड़ तक। जो है आप यदि कोई भी यूनिट सेटअप करते हो दैट इज नोन एज स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ऐसे ही टाइनी इंडस्ट्रीज के लिए दे हैव इंक्रीज द लिमिट, नाउ इट इज 25 लाख। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू एक्सपोर्ट टेक्नोलॉजी। देखिए बिफोर 1991 देयर वर रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्पोर्ट्स। आप कोई भी टेक्नोलॉजी इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे। इवन हमारे यहाँ पे इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन था। गवर्नमेंट जो है दे आर पुटिंग द प्रेशर ऑन द इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। जो भी आप चीजें बाहर से मंगा रहे हो वो चीजें अपने इंडिया में बनानी शुरू करो। लेकिन वो चीजें ना तो इंडिया में बन पाती थी और जो बनती थी वो बहुत कॉस्टली होती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसमें भी लिबरलाइजेशन दे दी। आप जो है कोई भी टेक्नोलॉजी, कैसी भी टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक से, किसी भी टाइप से रिलेटेड आपकी टेक्नोलॉजी है, यू कैन इजीली एक्सपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू एक्सपैंड एंड प्रोडक्शन। तो आप कोई भी बिजनेस को आप जितना मर्जी एक्सपैंड कर सकते हो, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। आपको किसी से भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। और ऐसे ही प्रोडक्शन है, आपको लगता है कि मार्केट में इसकी इस प्रोडक्शन की डिमांड ज्यादा है, आप उसी तरीके का जो है प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर सकते हो। आपको इसके लिए कोई भी गवर्नमेंट की साइड से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम टू इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स एंड रॉ मटेरियल। देखिए कैपिटल गुड्स किसी भी तरह की आपको मशीनरी को इम्पोर्ट करने के लिए, नाउ देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। ऐसे कोई किसी भी तरह का रॉ मटेरियल, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में है, लेदर का है, एनी टाइप ऑफ रॉ मटेरियल जो है, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस। नाउ यू कैन इजीली इंपोर्ट फ्रॉम द अदर कंट्रीज। नेक्स्ट पॉइंट इज लिबरलाइजेशन रिगार्डिंग टैक्सेशन। बिफोर 1991 द टैक्सेशन सिस्टम वाज सो रिजिड। बहुत ज्यादा टैक्स के रेट बहुत ज्यादा थे। इवन ट्रेडर्स जो है दे आर नॉट मोटिवेटेड। वो ट्रेडर्स बिजनेस को सेटअप करते हुए काफी डरते थे कि भी इंटरेस्ट हमें जो है इसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन आफ्टर 1991 उस टैक्स को भी रिमूव कर दिया गया। जो इनकम टैक्स रिटर्न था, इनकम टैक्स थी, उसको मैक्सिमम जो है 30% कर दिया। इम्पोर्ट ड्यूटी 250% से कम करके 10% कर दी गई। ऐसे ही जो हमारा जीएसटी था, सीएसटी था, उसको भी हमने वैट में कन्वर्ट कर दिया। नाउ इट इज कॉल्ड जीएसटी। तो इस तरीके से जो है
there is given the some relaxation regarding taxation. Next point is liberalization regarding banking. आपको पता है इंडियन इकोनॉमी में बैंक का सबसे ज्यादा रोल प्ले होता है. किसी भी पर्सन को या किसी भी कंपनी को लोन लेना होता है तो लोन कहाँ से लेते हैं, वो बैंक से लोन लेते हैं. तो बैंक ने जो है बिफोर 1991 बैंक की पॉलिसीज जो है बहुत रिजिड थी, लेकिन आफ्टर 1991 द रेस्ट्रिक्शंस जो हैज बीन रिमूव्ड. क्या क्या रेस्ट्रिक्शन रिमूव हुई? SLR, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम कर दिया गया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कम कर दिया गया, और ऐसे ही बैंकिंग बैंक्स को जो है जितने भी बैंक्स थे उनको ये राइट दे दिया गया कि वो अपना इंटरेस्ट रेट खुद ही डिसाइड करें. ऐसे ही जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर में बैंक्स ओपन करने की बात थी, उनके ऊपर उनके नॉर्म्स बहुत रिजिड हुआ करते थे, उनमें रिलैक्सेशन दे दी गई. ऐसे ही जो है बैंकिंग सिस्टम में यदि आपको कोई एम्प्लॉई एडहॉक पे रखना है या आपको कोई भी एम्प्लॉयज रखना है तो उसमें भी आप जो है बिना किसी परमिशन के यू कैन अपॉइंट द स्टाफ. तो जो है इस तरीके से जो है बैंकिंग में भी बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दी गई. नेक्स्ट पॉइंट, रिप्लेसिंग फेरा विद फेमा. ये फेरा क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट. और फेमा मीन्स फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. पहले हमारा बिफोर 1991 देयर वाज अ फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973. उसमें क्या होता था कि जो भी हमने इंपोर्ट करना होता था उससे रिलेटेड जो भी पेमेंट करनी होती थी उसकी प्रोविजंस, उसके नॉर्म्स बहुत रिजिड हुआ करते थे. आप इजिली इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे. लेकिन उन्होंने नाउ 1991 ऑनवर्ड्स इट हैज बीन रिप्लेस्ड इन फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट. तो इसमें आपको मैनेज करना होता है, आप फॉरेन एक्सचेंज जो है किसी भी कंट्री से जो है आप कोई भी चीज कोई भी इंपोर्ट कर सकते हो, इवन यू कैन बाय होम आल्सो. तो जो है दीज आर द पॉइंट्स दैट हैज बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट आफ्टर 1991 जो है दे हैव गिवन सब the government has adopted the liberal policy. Case benefits of liberalization. देखिए liberalization जब से इंडिया में आया है इंडिया को बहुत सारे फायदे हुए हैं, जैसे in the form of competition, production has increased, corruption has been removed, foreign exchange reserve has been increasing, foreign direct investment is increasing, foreign dependence on capital borrowings is less. So, jo hai, there are so many benefits to the Indian economy. First point is, increase the foreign investment. फॉरेन कंपनीज दे हैव एस्टेब्लिशेस देयर बिजनेसेस इन इंडिया, जिससे इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिससे जो है इंडिया में आप मनी की जो है कमी नहीं रही है. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन फॉरेन रिजर्व. इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज में बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलने से जो है द इंडियन पीपल्स दे आर एक्सपोर्टिंग द गुड्स टू द अदर कंट्रीज, जिससे हमारे पास क्या आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व. वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दे आर इंक्रीजिंग डे बाय डे. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन प्रोडक्शन. देखिए जितने भी कंट्रीज हैं दे आर इन्वेस्टिंग इन इंडियन कंपनीज इन इंडिया, जिससे जो है इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. देयर इज अ ओवरफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन इंडिया. नेक्स्ट पॉइंट, इंक्रीज इन कॉम्पिटिशन.
देखिए आफ्टर 1991 देयर इज ए इंक्रीज इन द कंपटीशन, क्योंकि 1991 से पहले जो है इंडिया में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन होता था। गवर्नमेंट कहती थी कि जो भी चीज आप बाहर से मंगवाना चाहते हो उसको अपने कंट्री में ही बनाओ, लेकिन अब जैसे जब से फ्लो ऑफ गुड फ्लो फॉरेन कंपनीज जो है दे आर कमिंग इन द इंडिया, तो जो है इट हैज इंक्रीज द कंपटीशन। कंपटीशन जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं और फॉरेन कंपनीज हैं उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे जो कस्टमर्स को प्राइसेस हैं वो चीपेबल और रीजनेबल रेट पे गुड्स अवेलेबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट, चेक करप्शन। देखिए पहले कोई भी कंपनी होती थी उसको अपना बिजनेस एक्सपांड करने के लिए या चलाने के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। गवर्नमेंट को बहुत सारी ब्राइब देनी पड़ती थी कि हमें लाइसेंस दे दो, क्योंकि उनका प्रोसीजर था इट वाज सो लेंथी और नॉर्म्स दे वर सो स्ट्रिक्ट, तो जो है देर वॉज ए प्रोविजन ऑफ करप्शन। लेकिन आफ्टर 1991 अब करप्शन की वो प्रॉब्लम सोल्व हो गई है, क्योंकि द प्रोसीजर आर सो सिंपल एवरीबडी कैन अप्लाई फॉर ए कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट, लेस डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल डेट्स। देखिए इंडिया में पहले जितने भी हमारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते थे, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनसे जो है इंडिया बहुत ज्यादा लोन लेता था, उसमें हमें एक्सटर्नल डेट्स हमारे बहुत ज्यादा बड़े थे। लेकिन जब से हमारे यहाँ पे फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट शुरू हुई, फॉरेन कंपनीज जो है उन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, हमारी एक्सटर्नल डिपेंडेंस कम हो गई है, तो जिससे जो है हमारे इकोनॉमी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ लिबरलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेजेस ऑफ लिबरलाइजेशन। फर्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ डोमेस्टिक यूनिट्स। देखिए आफ्टर मल्टीनेशनल कंपनीज द इंडियन कंपनीज आर यूजिंग द प्रोडक्ट ऑफ द फॉरेन कंपनीज, सो द इंडियन यूनिट्स दे आर सफरिंग लॉसेस एंड देयर इज अ लॉस ऑफ डोमेस्टिक यूनिट्स। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज इन अनएम्प्लॉयमेंट देखिए इन इंडिया वी आर यूजिंग द इम्पोर्टेड कैपिटल टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो हमारे इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें कंप्यूटराइज वर्क ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से इम्प्लॉयज की डिमांड कम हो गई है एंड देयर इज ए इंक्रीज इन द अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट पॉइंट, मोर डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंपनीज। देखिए जो इंडियन पीपल्स हैं दे आर मोर डिपेंडेंट अपॉन द फॉरेन कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज के प्रोडक्ट हैं दे आर बाइंग मोर, जैसे AC, फ्रिजेस, टेलीविजन, LCD, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम जितनी भी है दे आर मेड बाय द फॉरेन कंट्रीज, जिसकी वजह से हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस जो हैं दे आर सफर। लास्ट पॉइंट इज रीजनल डिस्पैरिटी। देखिए जो ये MNCs होती हैं ये मेनली जो है पोश एरिया में डेवलप एरियाज में ओपन होती हैं, रूरल एरियाज में ये ओपन नहीं होती, जिससे रूरल और अर्बन एरियाज में देर इज ए लोट ऑफ गैप और जो है इट इंक्रीज द रीजनल डिस्पैरिटी। सो यदि आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है लिबरलाइजेशन का, तो आपने सब कुछ लिखना है, लिबरलाइजेशन क्या है, कौन कौन से मेजर्स लिए गए, इसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट्स क्या हैं। ठीक है, नाउ माई टॉपिक इज फिनिश। फॉर मोर वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन।